Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel. Friends, today I am making the handle covers for the fridge. आज हम फ्रिज के ऊपर जो हैंडल्स होते हैं उनके कवर बनाना सिखा रहे हैं आपको. एज़ यू नो कि ऊपर वाला जो है वो हमें छोटा बनाना पड़ेगा और नीचे वाला हमें थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच का फ़र्क आएगा. आपको इसके लिए कॉटन फैब्रिक चाहिए. आप दो इस तरह के 4 पीस काट लें और उनकी लेंथ एंड विड्थ मैंने नीचे लिखी हुई है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं. अब ये जो सेकेंड है, क्योंकि ये मैंने ये देख सकते हैं आप कि इस तरह आपने इन दोनों को बनाना है, इस तरह ये देख सकते हैं आप. तो एक इसमें से बड़ा होगा और एक जो दूसरा है वो इसमें छोटा होगा. इन दोनों पीसेस के बीच में मैं पॉलिएस्टर फैब्रिक लगाऊंगी. ये पॉलिएस्टर है, दिस इज़ अ पॉलिएस्टर फैब्रिक एंड द लेंथ एंड द विड्थ आर द सेम एज द कॉटन फैब्रिक है. सो फ्रेंड्स, वी विल स्टिच इट लाइक दिस. एज हमारी बहुत सी वीडियोज़ में आप देख चुके हैं कि हम कपड़े के अंदर पॉलिएस्टर को स्टिच करते हैं और उसके बाद हम उसको सीधा करके बना लेते हैं. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू स्टिच इट. एज दिस इज़ द स्मॉलर वन एंड फॉर द अपर हैंडल ऑफ द फ्रिज, सो द फैब्रिक शुड बी द सेम एज द क्लॉथ. सो आई विल मेक टू कवर्स, वन फॉर द अपर एंड सेकेंड फॉर द लोअर हैंडल. दिस इज़ अ ग्रीन फैब्रिक, दिस इज़ ऑल्सो कॉटन फैब्रिक. लेंथ एंड विड्थ मैंने आपको बता दी है. ये मैं लीव्स बनाऊंगी इसके. आप इसको इस तरह से फोल्ड करके इसके लीव्स काट लेंगे और लीव्स को फिर आपने बिल्कुल वैसे ही पॉलिएस्टर डाल के स्टिच करके सीधा कर लेना है, ठीक है. एड पॉलिएस्टर इन टू लीव्स एंड देन ओपन इट टू मेक अ 3D इफेक्ट, 3D टाइप लीव्स. 4 लीव्स आपके बन जाएंगे. देखिए 1, 2, 3, 4 ये एक और फैब्रिक है. 2 पीस है मेरे पास. इसकी लेंथ एंड विड्थ मैंने आपको बता दी है. साथ में मुझे पॉलिएस्टर भी सेम क्लॉथ का चाहिए. 2 मैंने ये काट लिए हैं. ये मेरे पास पॉलिएस्टर पड़ी हुई है और ऑलरेडी फ्लावर हम बनाना आपको सिखा चुके हैं. इसके मैं छोटे छोटे फ्लावर्स बनाऊंगी. और ये मेरे पास वाइट फैब्रिक है जो कि मैंने एग्जैक्टली वैसे ही स्टिच करनी है जैसे हमने लीव्स करने हैं, पॉलिएस्टर बीच में रख के इसके, और इसको मैं इस तरह स्टिच करके इसको सीधा कर लूँगी. अब इसको पॉलिएस्टर को और वाइट क्लॉथ को आप इस तरह से तकरीबन 5 जो है वो आप बना लेंगे. मैंने 2 फ्लावर्स बनाने हैं. ये फ्लावर्स एंड लीव्स हम हैंडल्स के ऊपर लगाएंगे. वी हैव टू मेक फ्लावर्स फ्रॉम दिस. सो आई जस्ट स्टिच इट एंड एड पॉलिएस्टर एंड योर फ्लावर विल बी रेडी. ये जो है जिससे चिपकाते हैं ये वो है. ये बाज़ार से बहुत इजीली मिल जाएगी आपको. ये मैंने थोड़ी बड़ी ले ली है, इसको मैं 2 हिस्सों में काट लूँगी तो ये बहुत इजीली आपकी बन जाएगी. ये जो है वो एक्स्ट्रा कपड़ा है थोड़ा सा वाइट, जिसको मैं पाइपिंग के लिए यूज़ करूँगी. चले हम उन्हें स्टिचिंग कर लेते हैं. दोनों उनको आप इस तरह से स्टिच कर लेंगे और साथ में हम इनकी पाइपिंग भी कर देंगे. आप इसको स्टिच कर लेंगे तो आपने दूसरी साइड पे इसको मोड़ लेना है और मोड़ के आपने फिर दूसरी साइड से स्टिचिंग करके इसको बंद कर लेंगे. ये इस तरह करके आपने फिर दूसरी साइड पे इसको फोल्ड करके बंद कर लेना है. ये फ्रेंड्स आपका रेडी हो चुका है. इसको आप ये देखें मैंने इसको किस तरह से लगाना है. ये इस तरह फोल्ड करेंगे आप, तो इस तरह आपने जिन जगहों पे ये लगना चाहिए, इस जगह एक लग जाएगा और एक मैंने यहाँ लगा लिया, तो इसको मैं यहाँ पे इसके साथ स्टिच कर लूँगी. एक इस साइड पे है एंड द अदर वन बी ऑन द बैक साइड ऑफ द हैंडल कवर. Thank you.
फ्रेंड्स ये आपके पास रेडी होगा। अब बीच में मैं एक मार्क लगाऊंगी, जस्ट मार्क इन द मिडल ऑफ द दिस एरिया। यहाँ पे मैं ग्रीन कलर की एक स्टैम्प लगाऊंगी एंड देन आई विल मेक अ डिजाइन ऑफ फ्लावर। दिस इज द मिडल एरिया, ओपन इट एंड मेक अ लॉन्ग स्ट्रिप। दिस इज फॉर द डिजाइनिंग। नाउ फ्रेंड्स अब हम फ्लावर बनाने लगे। जैसे मैंने दो सर्कल्स काटे थे उसके अंदर आपने इस तरह फैब्रिक रख के उसको स्टिच कर लेना है। दिस इज फॉर मेकिंग फ्लावर, दिस इज द बेस ऑफ द फ्लावर। मेक इट लाइक दिस एंड दिस इज द फ्लावर। वो जो मैंने स्टार्टिंग में काटा था बीच में पॉलिएस्टर रख के मैंने उसे स्टिच कर लिया है। फ्लावर आपका रेडी हो चुका है। अब इस बीच में मैं जस्ट ये सर्कल लगा के इसको बना लूँगी। If you don't know how to make this flower, you can see our video of flower cushion. Friends, we will. These are the 3D leaves. आप इनको बुकरम से भी बना सकते हैं, आप इसके अंदर पॉलिएस्टर रख के भी इनको सी सकते हैं। This is all ready. As you see, they look so beautiful. One is for the upper handle, the smaller one is for the upper handle of the fridge, and the second one is for the lower handle of the fridge. They look so beautiful, and I hope you like my video. If you have any question, you can write in the comments below. And if you want to know the stitching of different things, you can write in the comments. Thank you so much for watching. I hope aapko meri video achhi lagi hogi. Pasand aaye to please like, share, and if you are not my subscriber, please subscribe my channel. And thank you so much for watching. If you have any query or any question or anything, you can write in the comments. Thank you.